जिले भर में गणगौर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं और युवतियों ने घर घर ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ईश्वर और गौर के रूप में दूल्हा दुल्हन बनाकर सांते की बारात निकाली गई। कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद गणगौर की सवारी पारंपरिक धूमधाम से निकाली जाएगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। घर घर गली गली मोहल्ले में ईश गौर की पूजा हो रही है। भगवान शंकर और पार्वती के रूप होती ईश्वर और गौर की पूजा की जाती है। गणगौर को सुखी दाम्पत्य जीवन का पर्व कहा जाता है। अलवर के सागर पर गणगौर पूजा शाम को की जाएगी। यहाँ पारंपरिक तरीके से गणगौर की मूर्ति को सर पर रखकर सागर जलाशय ले जाया जाता है। महिला पूजा पाठ कर के लिए गणगौर से आशीर्वाद लेती है। गणगौर है ना, ये शिव और पार्वती का संगम है, उसके लिए मनाई जाती है। गौरा मैया ने भोलेनाथ के लिए प्रार्थना की थी और वही गणगौर ने ईश्वर के लिए की थी, अपने स्वाग के प्रतीक के लिए। और ये पूर्वजों से मनाई ही जा रही है। इसका इतिहास यह है कि अपने स्वाद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर की सुख शांति के लिए मनाई जाती है। क्या क्या पूरे दिन रहता है इसकी प्रक्रिया? इसमें पूरे दिन है ना, मतलब पूरे दिन तो नहीं, आधे दिन व्रत रहता है। जैसे गणगौर की पूजा की जाती है, औरतें सज धज के आती हैं, इसके गाने वाने गाए जाते हैं और घरों में पकवान बनाए जाते हैं। और ये त्यौहार उल्लास और प्रतीक का है। एक दो गाना, कोई छोटी सी लाइन। गले गोरा रो बड़ो है तेवार तारा अंजा मारू यही रो भाई सा पीरा यही रहो जी ताने रास्ता मिलेंगी गले गोर तारा अंजा मारू यही रहो। मेरा नाम दीपा सैनी है और ये क्या, हम सुबह उठते ही पूजा पाठ की तैयारी मतलब गणगौर को सजाते हैं, फिर खुद भी सज के आते हैं, मिलके सब नाच कूद भी करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं।